गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ निहाल भट्ट और आज हम जानेंगे मेमोरी के बारे में। लेकिन बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक आरती भट्ट फॉर हेल्पिंग मी इन मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। अगर हम मेमोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है याददाश्त, और याददाश्त हमारी यादों को हमारे दिमाग में स्टोर करके रखती है। यही चीज़ अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में काम आ सके, तो वो मेमोरी है। अब मेमोरी भी तीन टाइप की हो सकती है, प्राइमरी या जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और ये बस वही डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है जिसपे कि कंप्यूटर अभी काम कर रहा है, तो लाइट जाते ही हमारा डेटा भी लॉस हो जाएगा। अब प्राइमरी मेमोरी भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब टेम्प्ररी मेमोरी है, तो डेटा तब तक ही प्रेजेंट होगा इसमें जब तक कि पावर सप्लाई है। रैम में डेटा रीड, इरेज और मॉडिफाई किया जा सकता है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। रैम मेमोरी की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन रैम कॉस्टली होती है। तो अगला है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो पावर सप्लाई कट होने के बाद भी इसमें डेटा प्रेजेंट होता है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, रोम एक रीड ओनली मेमोरी है और इसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है। रोम की कैपेसिटी बहुत कम होती है लेकिन रोम बहुत सस्ती होती है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसे हम एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये जनरली मेन मेमोरी से स्लो होती है। इसका यूज़ हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। ये जनरली मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब कुछ एग्जांपल हो गए सेकेंडरी मेमोरी के। और लास्ट में आती है कैच मेमोरी। कैच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि हमारे सीपीयू को भी स्पीड अप कर देती है। ये एक बैरियर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ये मेनली यूज़ होती है उस डेटा या प्रोग्राम को होल्ड करने में जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी। जैसा कि अभी हमने देखा, कैच मेमोरी प्राइमरी या मेन मेमोरी से फास्टर होती है। इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है और ये डेटा को टेम्प्ररी यूज़ के लिए स्टोर करती है या फिर उसी प्रोग्राम को स्टोर करती है जो कि बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर हम बात करें कैच मेमोरी के डिसएडवांटेज की, तो इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है और ये एक्सपेंसिव होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।